अभी देखते हैं नाम क्या है। अजय कुमार। राजीव कुमार। इनसे संपूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। फिर बताइए संपूर्ण संख्या क्या है। वह संख्या जिसके सभी मूलकों का योग फल उस संख्या का गुणा हो, वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 6 का गुणनखंड। 6 का गुणनखंड क्या क्या होता है? 1, 2, 3, 6। 6 का गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब इसे जोड़ देंगे। इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 कितना? 12 6 का गुणा है। 12 6 का दुगुना है। इसलिए 6 इसलिए 6 संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या है। ठीक है, 6 संपूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए बताइए 28 संपूर्ण संख्या है क्या? इसका गुणनखंड निकालेगा 1, 2, 4 7, 14 अच्छा, मतलब 28 में जिससे जिससे भाग लग जाता है वो आप लिख लीजिए। यही ना बात है? बोलिए। लिखिए, अब क्या करें बताइए? इसे जोड़ दें। इसको जोड़ दें। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 जोड़ेंगे तो 8 + 12 = 19 + 23 + 24 = 26 ठीक है। अब 2, 3, 6 आ रहा है तो 56 28 का दुगुना है, इसलिए 28 क्या हो गया? इसलिए 28 एक संपूर्ण संख्या है। बिल्कुल 28 एक संपूर्ण संख्या है। समझ में आ गया बच्चों? बताइए चलिए संपूर्ण संख्या हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सह अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है,